Hello everyone, welcome to operating system tutorial. In the previous lecture, I have discussed the example of priority scheduling in non-preemptive mode. In this tutorial, I will discuss the example of priority scheduling in preemptive mode. Preemptive means if one process is executing the CPU and some other process which is having the highest priority comes, then the lowest priority process has to leave the CPU and the highest priority will get the CPU. So in this preemptive mode, we have to consider the arrival time as well as the priority. Okay, so in this example also, we have to calculate the average wait time as well as average turnaround time. So how we will calculate this? By drawing the Gantt chart first. Okay, so I will tell you one simple way to draw this Gantt chart in this type of questions. In these types of questions, you know, you can see the arrival time 0, 1, 2, 3, 4, 5. So these are the arrival times. So first draw the Gantt chart according to the arrival time. ठीक है, आप नीचे arrival time लिखते जाओ और आप अभी processes मत लिखो. ठीक है, तो arrival time सबसे पहले कहाँ से start हो रहा है? 0 से. 0, then 1. ठीक है, 1 आया, फिर 2 आया, then 3, 4, 5. ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, यहाँ तक ही draw करो आप. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहीं तक थे. इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं आया. ठीक है, 5 के बाद कोई भी, आप इसको भी भूल जाओ, मतलब आप देखो कि पहले 0 पे आया कोई प्रोसेस, फिर 1 पे कोई प्रोसेस आया, फिर 2 पे कोई प्रोसेस आया, 3 मिनट पे भी कोई प्रोसेस आया, 4th मिनट पे भी कोई प्रोसेस आया और 5th मिनट पे भी कोई प्रोसेस आया. आफ्टर 5th मिनट कोई भी प्रोसेस नहीं आया. ठीक है, तो आप क्या करो, गैंट चार्ट ड्रॉ करो अकॉर्डिंग टू द अराइवल टाइम. 0, 1, 2, 3, 4, 5 बस यहाँ तक रुक जाओ. अब आप प्रोसेसेस लिखो. अब देखो, जीरोथ मिनट पे कौन सबसे पहले कौन आया? P4. तो P4 के पीछे तो कोई था ही नहीं, तो यहाँ पे P4 आ गया. ठीक है, P4 का बर्स्ट टाइम कितना है? 1. तो P4 सिर्फ 1 मिनट के लिए एक्सेस होगा. ठीक है, और P4 अपने घर चला गया, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट, इट विल लीव द CPU नाउ. ठीक है, अब देखो 1th सेकेंड पे कौन आया? 1th सेकेंड पे कौन आया? P1 आया. ठीक है, P1 ने एक्सेस किया. और 2th सेकेंड पे कौन आया? P2 आया. अब दोनों की प्रायोरिटीज़ को कंपेयर करो. ठीक है, क्योंकि अभी बर्स्ट टाइम चल रहा है ना इसका, 4 है, क्योंकि इसके केस में क्या था? 1 था, तो हमने 1 पे ये चला ही गया, तो हम कंपेयर किससे करेंगे? 1 पे वैसे तो P1 आया, लेकिन स्टिल चाहे इसकी प्रायोरिटी कुछ भी है, ले तो करके चला गया अपना काम. ठीक है, अब P1 1th सेकेंड पे P1 आया और अभी वो कर ही रहा था एक्सेस, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 4 है, तो अभी वो एक्सेस कर ही रहा था कि 2th सेकेंड पे P2 आ गया. ठीक है, सो इन दैट केस वी हैव टू कंपेयर दी प्रायोरिटीज़. ठीक है, इसकी प्रायोरिटी कितनी है? 5. इसकी प्रायोरिटी, P2 की प्रायोरिटी कितनी है? 2. ठीक है, तो एक बार के लिए वो CPU हम दिखाएंगे कि उसने छोड़ा, बट 2th सेकेंड पे P1 की प्रायोरिटी 5 है, तो P5 को ही मिलेगा. ठीक है, P1 को ही मिलेगा. ठीक है, तो अगेन P1 आ गया. तो अभी इसकी प्रायोरिटी पहले 3 हुई, इसका रिमेनिंग टाइम पहले 3 हुआ, फिर 2 हो गया. ठीक है, क्योंकि इसने दो बार एग्जीक्यूट कर लिया ना, 2 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट किया. ठीक है, अब 3rd सेकेंड पे कौन आया? P3 आया. ठीक है, 3rd सेकेंड पे कौन आया? P3 आया. P3 की प्रायोरिटी कितनी है? अब तीनों से कंपेयर करेंगे हम. P3 की 6, 2, 5. अब P3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो P1 को CPU छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, P2 का रिमेनिंग टाइम पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हो गया. ठीक है, 2 मिनट के लिए लिया ना उसने, 4 माइनस 2, 2. ठीक है, अब 3rd सेकेंड पे P3 आ गया. P1, P2, P3 लाइन में हैं, तीनों की प्रायोरिटी हम, क्योंकि हम अभी 3rd सेकेंड पे हैं, 3rd पे, तो हम इन्हीं तीनों से ही हमें कंपेयर करनी है प्रायोरिटी. ठीक है, तो 5, 2 और 6 में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? P3 की ज़्यादा है, तो P3 को मिलेगा CPU. तो यहाँ आ गया P3. P3 अभी एग्जिस्ट कर ही रहा था कि अब 4th सेकेंड पे P5 आ गया. ठीक है, P5 की प्रायोरिटी कितनी है? 7 है, तो P5 को पहले मिलेगा CPU. तो 6, ये P3 ने कितनी देर एक्सेस किया CPU? सिर्फ 1 मिनट, क्योंकि 4th पे ही आ गया वो. तो 6 माइनस 1, 5. अभी 5 इसका रिमेनिंग है. ठीक है, 4th सेकेंड पे ही P5 आ गया. सो हम P5 और P3 को जब कंपेयर कर रहे हैं, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? P5 की.
सो P3 विल लीव द CPU, और इसने कितनी देर एक्सेस किया, जस्ट फॉर 1 मिनट, ठीक है. तो P3 विल लीव द CPU और इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, 5. अब P5 को CPU मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया P5. अभी P5 एक्सेस कर ही रहा था कि 8th सेकेंड पे P6 आ गया, ठीक है. तो P5 और P6 का प्रायोरिटी कंपेयर होगा तो P6 की प्रायोरिटी ज़्यादा है. सो अगेन P5 हैज़ टू लीव द CPU, और P5 ने कितनी देर के लिए करा, 4 से लेके 5, यानी कि 1 मिनट तक ही करा. तो अब इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, 1, ठीक है. P5 का रिमेनिंग टाइम रह गया 1. नाउ P6 विल गेट द CPU, P6 को CPU मिल गया, ठीक है. P6 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है तो P6 पूरा एग्जीक्यूट होगा जब तक उसको चाहिए. कितनी देर तक चाहिए, 3 तक चाहिए, 5 प्लस 3 8. अब P6 भी घर चला गया, P4 और P6 चले गए, ठीक है. अब किसकी टर्न आती है, अब कौन कौन है क्यू में, P1 विच इज़ हैविंग द बर्स्ट टाइम 2, P2, P3 एंड P5. अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम बर्स्ट टाइम भी नहीं देखेंगे, अराइवल टाइम भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अब तो सब आ चुके हैं, अब कोई नहीं आ रहा. अब सिर्फ आपको क्या कंपेयर करना है, प्रायोरिटीज़, किस किस की प्रायोरिटी, 5 की, P1 की 5 है, P2 की 2 है, P3 की 6 है एंड P5 की 7 है, बस. अब जैसे हमने प्रियम्प्टिव मोड का सॉल्व किया था ना एग्जांपल, एग्जैक्टली हमें अभी इसका सॉल्व करना है विदाउट नोइंग दी अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम. हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, अब हम सब, अब ये सब बेस्ड ऑन प्रायोरिटी गैंट चार्ट बनेगा. सो जब भी अराइवल टाइम आता है, आप ऐसे स्लॉट्स बना लो अराइवल टाइम के, जितना भी अराइवल टाइम का स्लॉट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना भी स्लॉट है आप बना लो. फिर आप अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग कि 0 पे कौन आया वो वाला प्रोसेस लिखो, फिर 1 प्रोसेस पे कौन आया उन दोनों को कंपेयर करो, फिर उसका प्रोसेस का नाम लिखो, फिर देखो 2th सेकेंड पे कौन आया, फिर प्रायोरिटीज़ कंपेयर करो और अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी प्रोसेस का नाम लिखो, इस तरह से लिखो. अब 5th अराइवल टाइम तक सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं, अब आपको अराइवल टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है. अब आपके पास रिमेनिंग प्रोसेसेस ये बच गए, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी अराइवल टाइम अब हो गया, अब कोई नहीं आ रहा आफ्टर 5th प्रोसेस, आफ्टर 5th सेकेंड. तो अब अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वी विल ड्रॉ दी गैंट चार्ट, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, अब किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, P5 की. तो P5 पूरा एग्जीक्यूट होगा, पूरा मतलब उसका रिमेनिंग सिर्फ 1 बचा था, तो यहाँ पे आएगा P5, 8 प्लस 1 9. तो अब P5 भी चला गया. अब किसकी प्रायोरिटी देखेंगे हम, इसकी प्रायोरिटी, इन तीनों की, किसकी ज़्यादा है, P3 की ज़्यादा है. तो P3 कितना एग्जीक्यूट होगा, P3 का बर्स्ट टाइम कितना है, 5, तो 9 प्लस 5 विच इज़ 14, ये रहा P3 एंड दिस इज़ 14. अब P3 भी चला गया, ठीक है. अब इन दोनों में कंपेयर होगा किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, P1 की. सो P1 का बर्स्ट टाइम कितना बचा हुआ है, 2, तो 14 प्लस 2 इज 16. अब P1 भी चला गया, अब सिर्फ P2 रह गया, P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 5, 16 प्लस 5 इज 21. सो दिस इज P2. दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ द गैंट चार्ट फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स. सो अगर प्रियम्प्टिव मोड आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, जस्ट मेक द स्लॉट्स फॉर अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम, एंड देन अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम कंपेयर दी प्रायोरिटी एज वेल एज दी अराइवल टाइम एंड राइट दी प्रोसेसेस. आफ्टर द अराइवल टाइम जस्ट सी दी नंबर ऑफ प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी एंड देन ड्रॉ द गैंट चार्ट. बिकॉज 5th के बाद तो कोई आ नहीं रहा है, तो अराइवल टाइम देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे देख सकते हो. एंड 1 बाय 1 आप जैसे जैसे CPU से ले रहे हो, प्रोसेस से CPU वापस ले रहे हो, तो बर्स्ट टाइम में से जितनी देर आपने उसको CPU दिए वो आप रिमेनिंग यहाँ पर लिख दो, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, देन इट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. सो यूज़ दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम ड्रॉ दी गैंट चार्ट. सो अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन, सो देन इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है. सो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ पाएगा ये. सो नाउ वी विल कैलकुलेट दी एवरेज वेट टाइम एज वेल एज एवरेज टर्न अराउंड टाइम. सो यू नो दी फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेट टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम. सो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंड वेट टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. सो फर्स्ट, सबसे पहले P1 का टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीशन टाइम बार में सबसे लास्ट में P1 यहाँ लिखा है और लास्ट में नंबर इज 16.
तो 16 उसका कंप्लीशन टाइम है और अराइवल टाइम कितना है 1, तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज 15. नाउ इज P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है 21, 21 माइनस 2 इज 19. P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है, P3 बार में सबसे लास्ट में यहाँ पर है और उसका लास्ट में क्या है यहाँ पे 14, ठीक है, 14 माइनस P3 का बर्स्ट टाइम कितना है, सॉरी अराइवल टाइम कितना है 3, 11. नाउ इज P4 सबसे लास्ट में कहाँ ख़त्म हो रहा है, सबसे पहले ही ख़त्म हो गया था, ठीक है, तो कब ख़त्म हुआ 1 पे, एंड P4 का अराइवल टाइम कितना है 0, सो 1. P5 का कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, P5 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और बार में सबसे लास्ट में नंबर क्या है 9, ठीक है, सो दिस इज P5 9 और उसका अराइवल टाइम कितना है 4, तो 5. P6 इज व्हाट, हेयर P6 का कंप्लीशन टाइम इज 8 माइनस 5 इज 3. अब इन सबको ऐड कर देंगे एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर 6, तो हम क्या करेंगे 15 प्लस 19 प्लस 11 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज गोइंग टू बी 54 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 9. सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 9, ये इसका आंसर है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 9. ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट दी एवरेज वेट टाइम. तो अभी इंडिविजुअली वेट टाइम्स निकालेंगे. सबसे पहले वेट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स टाइम. सो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया टर्न अराउंड टाइम, P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना है 15, बर्स टाइम कितना है 4, ठीक है, विच इज 11. P2 का टर्न अराउंड टाइम इज 19, बर्स टाइम कितना है 5, विच इज 14. P3 का टर्न अराउंड टाइम अभी अभी कैलकुलेट किया 11, माइनस बर्स टाइम कितना है 6, विच इज 5. ओके, नाउ P4 का टर्न अराउंड टाइम 1, माइनस बर्स टाइम कितना है 1, 0, ठीक है, 0 हो गया ये. P5 का टर्न अराउंड टाइम अभी अभी कैलकुलेट किया 5, बर्स टाइम कितना है, P5 का बर्स टाइम इज 2, 3 हो गया इसका वेटिंग टाइम. P6 का टर्न अराउंड टाइम अभी अभी कैलकुलेट किया 3 और बर्स टाइम कितना है 3, 0, ठीक है. तो अभी वेट टाइम कैसे निकालेंगे, सबको प्लस कर देंगे 11 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 6, विच इज़ गोइंग टू बी 33 डिवाइड बाय 6, विच इज़ गोइंग टू बी 5.5. सो एवरेज वेट टाइम इज फॉर दिस एग्जाम्पल इज 5.5. यू कैन रीचेक इट. ओके, सो हमने क्या किया, गैंट चार्ट ड्रॉ किया. अकॉर्डिंग टू गैंट चार्ट वी विल कैलकुलेट द इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम एंड इंडिविजुअल वेट टाइम एंड देन वी विल कैलकुलेट द एवरेज. सो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप एवरेज अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग पहले स्लॉट बना लो 5 तक, उसके बाद आप चेक करो 0 पे कौन हुआ, ये आया, 1th सेकंड पे कौन आया, जो भी आया उसकी प्रायोरिटी 0 के साथ कंपेयर करो, जिसकी भी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको CPU दे दो. फिर देखो 2th सेकंड पे कौन आया, फिर 2th सेकंड से कंपेयर करो 0, 1 और 2 की प्रायोरिटी को, 0 पे कौन आया था, 1 पे कौन आया था, 2 पे कौन आया था, तीनों की प्रायोरिटीज़ को कंपेयर करो, जिसकी ज़्यादा होगी उसको CPU दे दो. फिर देखो 3rd सेकंड पे कौन आया, P3 आया. फिर देखो P3 की 0, 1 और 2 और 3 तीनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. तो ये आपको कब तक देखना है, जब तक प्रोसेसेस आ रहे हैं. जब प्रोसेस आ गए उसके बाद आपको कुछ अराइवल टाइम नहीं देखना, फिर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आप बर्स्ट टाइम से उसका काम करते जाओ. और जब भी आप CPU ले रहे हो यू हैव टू राइट दी बर्स्ट रिमेनिंग बर्स्ट टाइम, कि अब उसको कितना रिमेनिंग बर्स्ट टाइम रह गया. सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर नाउ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच गाइज़.